पीपीसी हमारा एसईएम के अंदर है, बिडिंग मेथड कहलाती है। अब हम थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, जो दिख रहा है विदाउट एडी, क्या इनमें क्लिक करने के पैसे देने पड़ेंगे? ये सब हमारे एसईओ के अंदर आते हैं, ये सारे जो विदाउट एडी है, जो विदाउट एडी है, ये सब हमारे एसईओ के अंदर है। क्या पैसा देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई पेमेंट नहीं करना, एसईओ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, जितने भी ये सारे फ्री वाले हैं। क्या इन पे वेबसाइट पे पीपीसी रूल फॉलो होगा? बोलोगे नहीं सर, वो पीपीसी भी नहीं होगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट है, इसमें वेबसाइट गायब नहीं होगी। अब इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूंगा ये सेकंड पे है, ये फर्स्ट पे, क्यों, रीजन क्या है? बैकलिंक के लिए वो अलग प्रोसेस है, कीवर्ड रैंकिंग ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, किसी को पता है, कोई ऐसा भी है जो बोलो सर पता नहीं है ये क्यों आ रहा है? ओके, वेरी नाइस, जितने भी लोग, वेरी गुड। अब आप समझते हैं, देखिए ये टॉप पे ही, ये टॉप पे नहीं है, इसका सिंपल सा रूल है, इसने एसईओ बहुत अच्छे से किया है, इसने गूगल के रूल ज्यादा फॉलो किए हैं एज कंपेयर टू ये थोड़े से रूल ब्रेक क्योंकि थोड़े से रूल कम फॉलो किए, इसलिए ये सेकंड पे आया। पर अगर ये इंप्रूवमेंट करेगा, चेंजेस करेगा, रूल फॉलो कर लेगा, तो ये उठ के टॉप पे जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। रैंकिंग इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, तो ज्यादा एसईओ के रूल फॉलो करता है, जो अच्छे से एसईओ करता है उसके साथ टॉप पे आती रहती है। इसलिए यहां पे रैंकिंग इंक्रीज डिक्रीज होती है, वेबसाइट गायब नहीं होती है। अगर ये अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये उठ के टॉप पे आ जाएगा, तो सिर्फ रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो मैंने आपको ये सिखाया ना, ये सब कुछ प्रैक्टिकली करवाऊंगा, सबकी हेड यहाँ पे शो होगी, सबकी, ठीक है? अगर आप यहाँ पे अपनी अपना नाम सर्च करोगे, अपना नेम, जैसे आप अभी अपना नेम सर्च कर लोगे, आपके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। हम ये वाला पार्ट भी सीखेंगे यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल आइडेंटिटी। एसईओ से गूगल को क्या फायदा है? एसईओ से गूगल को ये फायदा है कि लोग दोनों ही काम करवाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक भी होते हैं और बेनिफिट वाले भाग भी होते हैं। पैसे वालों का इजी डेवलपमेंट नहीं होगा, पैसे के लिए क्या हर टाइम देना पड़ेगा, हर टाइम। अगर आप पैसा बंद कर दोगे, वेबसाइट गायब हो जाएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। पर अगर आपने एसईओ में रैंकिंग ला लिया है तो क्या होगा, आपको पैसा पे नहीं करना है। अच्छा, एक चीज बताओ, हम हर बार टॉप पे क्यों आना चाहते हैं, क्यों टॉप पे आना चाहते हैं, टॉप का क्या एडवांटेज होगा? टॉप पे क्यों आना चाहते हैं, हर बार टॉप पे क्यों? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हैं, बाकी लोग करेक्ट बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं। ओके, वेरी नाइस, आप समझते हैं इसमें क्या है। देखो, आप सबको पता है जो टॉप है, आप जब भी कुछ सर्च करते हो, मैक्सिमम टाइम आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ओपन करते हो, उन्हीं पे क्लिक करते हो, और आपकी जो भी क्वारीज है उन्हीं में फुलफिल हो जाती है, मैक्सिमम लोग क्लिक करते हैं। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आप गूगल के फोर्थ पेज में कब गए थे, तो बोलोगे सर नहीं पता कब गए थे। मैं बोलूं गूगल के टेंथ पेज में, बहुत रेयर होगा कोई ऐसा जो गूगल के फिफ्थ पेज में गया है आज तक, कोई आज तक तो गूगल के फिफ्थ पेज में गया है, मैक्सिमम लोग बोलेंगे। अच्छा, सूरज बोल रहा है, यस ठीक है, कुछ लोग जाते होंगे, करेक्ट, बहुत कम, क्योंकि देखो मैक्सिमम हमारी फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, मैक्सिमम से मैक्सिमम थर्ड पेज हमारी सारी क्वारी पुट अप हो जाती है, हमें जो चाहिए होता है हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज में मिल जाता है, इसलिए हम बाकी पेज में नहीं जाते। इसलिए एक डिजिटल मार्केटिंग में जोक होता है, जोक चलता है क्या, कि आप किसी का मर्डर करो, गूगल के फिफ्थ पेज में जाके बॉडी छिपा दो, कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि वहां तक कोई जाता ही नहीं है, ठीक है, क्लियर अप है क्या यहां तक? हम आगे चीजें डिस्कस करें, ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, ये पॉइंट क्लियर है। ओके, एसईओ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, एसईओ वाला पार्ट में आपको कोई डाउट नहीं होगा, वेरी गुड। एसईओ का सिंपल मीनिंग है विजिबिलिटी। आप में से बहुत सारे लोग बोले कि हम एसईओ क्यों करेंगे, गूगल को क्या फायदा होगा? देखो, गूगल अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करता है। अगर गूगल में लोग अगर सर्च नहीं करेंगे ना, आप ही बताओ, आप एक शॉप में गए जो आपको चाहिए था नहीं मिला,
तो क्या करोगे, दोबारा उसकी शॉप पे नहीं जाओगे, दूसरी शॉप ऑलरेडी रेडी है। गूगल को खुद प्रॉब्लम है, खुद टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो कि याहू मेरे से ऊपर आ जाए, बींग मेरे से ऊपर आ जाए, इसीलिए गूगल हर चीज आपको देना चाह रहा है। इसलिए गूगल हमेशा नए फीचर्स एड ऑन करता है। वॉइस सर्च लेके आया गूगल ने, क्या वॉइस से ले पूछो, गूगल ने हिंदी लाया, क्यों लाया, सिर्फ इसीलिए लेके आया कि कोई और ना आ जाए। तो अगर आप SEO करते हो तो आपके साइट की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, मैक्सिमम 93% आपके साइट में यूजर आएंगे। ठीक है, हम दोनों पे काम करेंगे, हम SEO भी सीखेंगे और SEM भी सीखेंगे, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी जिसकी हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल आपको इसलिए यहां तक क्लियर अप होंगी। अब हम SEM और पेड मार्केटिंग पे समझते हैं। मेरे ख्याल से ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। हाँ, वेरी गुड। देखो गूगल के सारे पैसे, देखो गूगल में जितने पैसे जाते हैं सब एडवर्टीजमेंट से आते हैं, जितने भी एड यूट्यूब में आती है, यूट्यूब नहीं चलाता, आप हमेशा समझा, यूट्यूब कोई एड नहीं चलाता, यूट्यूब एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है, गूगल सारे एड चलाता है। आप जब कोई गेम खेलते हो जो एड आते गूगल चलाता है, जितना भी एड सब गूगल चलाता है, पूरा रेवेन्यू यहीं से कमाता है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आप सब लोग चीज क्लियर अप होंगी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, देखो अगर आपको भी बताता हूं, देखो गूगल को बहुत ज्यादा डर पता किससे है, तीन कॉम्पिटिटर है उनके, याहू, बींग और एक और है जिसका नाम है डक डक गो। डक डक गो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी से पॉपुलर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका डर है, इन तीन लोगों से डर है, याहू और बींग थोड़े से नीचे लेवल पे, जो डक डक गो इसका रफ्तार बहुत तेज है। एक प्रोडिक्शन है 2025 तक डक डक गो गूगल से टॉप पे आ जाएगा, एक प्रिडिक्शन है। हाँ, गूगल बहुत सारी ट्रांसफर कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें हो रही हैं। किसी को क्वेश्चन है पुटअप करिए, कोई इशू नहीं है, आप पूछिए। हाँ बिल्कुल, ये चीजें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, आप अगर पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। जो डक डक गो है सर्च इंजन, वो गूगल के कंपैरिजन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। हाँ, आप जब सीखोगे, आप जो चीजें सीखोगे आप उस पर जॉब ले सकते हो जिसपे आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब जो हमें थोड़ा समझना किसके बारे में, देखिए मैंने आपको ये भी समझाया, ये पूरा एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा था, मैंने आपको रियल टाइम से समझा दिया। ठीक है, एक आपको एक और चीज इन्फॉर्मेशन देनी है, लगभग आज की क्लास के बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग कवर अप हो जाएगा। मैं आज क्लास के बाद एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को थ्योरी पार्ट में उसमें आंसर्स लिखने हैं। आप आंसर गूगल से ही सर्च कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गूगल से ले लो, मेरे नोट से ले लो, PDF से ले लो, या फिर कोई बुक से पिक कर लो, ये अप टू यू है, पर उसका आंसर्स लिखना है। लिखने के बाद उसको जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डालना है, पर हर जो आपका असाइनमेंट है उसमें आपका नेम मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये नोट्स आपका, ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपके किसमें मिलेगा, आपके ऐप पे भी मिलेगा, क्लास के बाद मैं आपके ग्रुप में भी अपलोड करूंगा। इसके अलावा हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर अप हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, जो कि वहां पे मॉक टेस्ट दिए गए हैं, आप सबको मॉक टेस्ट भी देना है, जितने लोग देंगे उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालना। ठीक है, असाइनमेंट्स के लिए अगर आप देखो, अगर आप लैपटॉप में हो तो लैपटॉप में प्रॉपर ईबुक जैसा बना के भेजना, PDF में बना के भेजना। जो लोग मोबाइल फोन पे हैं तो आप लोग क्या करना, मोबाइल फोन में आप कॉपी में लिख लेना, पिक्चर लेना, उसको कन्वर्ट करना किसमें, PDF में, फिर सेंड करना, हर किसी को PDF में भेजना है। मॉक टेस्ट आप कभी भी दे दो, कभी भी दे दो आज की क्लास के बाद, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर अप हो गया। और मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ाया, अगर आपने क्लासेस सही से ली हैं, सबके आउट ऑफ लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, 16 होंगे, आउट ऑफ 15 पूरा के पूरे ही मार्क्स आएंगे, जिन्होंने दे चुका है बहुत अच्छा है। असाइनमेंट कब तक देना है, अगर आप असाइनमेंट कल तक दोगे तो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। जरा एक चीज आप मुझे और बताओ, कल हमारा फ्राइडे है, कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं या कल आप लोग के डाउट पे वर्क करूं। आप जितने भी लोग हैं, 123 लोग हैं, मुझे आंसर करिए, कल फ्राइडे है, न्यू टॉपिक करना या फिर डाउट में काम करना है।
अब ऐसे कैसे वेटेज किया जाए? ठीक है, तो मैं भी इस पे भी बात कर लेता हूं, अगर हम हो सकेगा तो हम डाउट पे या फिर नया टॉपिक दोनों पे कोई ना कोई एक पार्ट कर लेंगे, ठीक है। पर आप लोग, मैं हर दिन मतलब हर वीक के फ्राइडे को सिर्फ डाउट पे ही वर्क करूंगा, कोशिश मेरा यही रहेगा, ठीक है। गूगल, याहू, बींग और डक डक गो, ये चार टॉप मोस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में समझते हैं किसके बारे में, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। मैंने दो चीजें और बताई थी आपको, अगर मैं इसमें पूछूं ऑर्गेनिक कौन सा, बता पाओगे आप क्या ऑर्गेनिक कौन सा इसमें से? वेरी नाइस। अब लोग सर जिसमें ओ दिखेगा वो ऑर्गेनिक है, अब इसका मीनिंग क्या है? ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी नेचुरल है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका मीनिंग है आप अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे कहां पे? सोशल मीडिया वेबसाइट्स में, जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, कोरा, आप हर जगह बिना पैसे दिए जो प्रमोशन करोगे उसको हम SMO पे लाते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। सेम ऐसे ही आप लोगों ने एक एक्सपीरियंस किया होगा, फेसबुक के अंदर वीडियो देख रहे हो, वीडियो के बीच में एड्स आती हैं। कितने लोगों ने देखा है एड्स? कितने लोगों ने एड्स देखा है? अंबिका आपने देखा है, श्रुति, अभी, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, सबने फेसबुक में देखा होगा, इंस्टाग्राम में देखा होगा, ट्विटर पे देखा होगा, लिंक्डइन पे देखा होगा, ये सारी एड्स हमारी इस पे आती हैं। आप लोग सर हम सीख पाएंगे? बिल्कुल, हम इस पे सब कुछ वही सीखेंगे कि एड रन कैसे करते हैं, सब कुछ हम इस पे सीखेंगे। अमन आपके मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, सबके ही मैसेज आ रहे हैं पर बहुत फास्ट आ रहे से मैं रीड नहीं कर पाता हूं। जो मेल आईडी में एड्स आते हैं वो हमारे किस में आते हैं? वो आप ईमेल मार्केटिंग में भी बोल सकते हो और हमारे गूगल एड्स अंदर भी ऑप्शन है, ठीक है। तो हम ये सब कुछ ही सीखने वाले, दोनों चीजें सीखेंगे। ऑर्गेनिक में क्या सीखेंगे कि सपोज हमने कोई वीडियो डाली और हमें मैक्सिमम व्यू लाना है, कैसे लेके आएंगे हम? ऑर्गेनिक सीखेंगे। देखो ऑर्गेनिक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि हम पैसे नहीं देते ना तो जल्दी वायरल नहीं होती। अगर मुझे वायरल करवानी है तो हम इस पे भी जा सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपने कोई फोटो डाली, फोटो को क्या करना है? वायरल करवाना है, मैक्सिमम लोग उसको देख सके, लाइक कर सके, व्यू कर सके, कमेंट कर सके। हम इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, दोनों चीजें सीखेंगे, दोनों हमारी चीजें यहाँ पे कवर अप होंगी, ऑर्गेनिक और पेड दोनों ही पार्ट।